हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका ट्रेन इंक्वायरी पर। आज अपने बात करेंगे जोधपुर सूर्य नगरी से पिंक सिटी जयपुर के बीच में चलने वाली सभी ट्रेन्स के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पे अगर नए हैं या सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि रेलवे से जुड़ी सारी अपडेट आपको समय से मिलती रहे। दोनों शहरों की बात करूँ तो जोधपुर जंक्शन से जयपुर जंक्शन के बीच की जो दूरी है रेल बाय रोड रेल जो है वो 310 किलोमीटर की है और ये दोनों शहर पिपार रोड, गोटन, मेड़ता, डेगाना, फुलेरा, मकराना के रास्ते आपस में जुड़े हुए हैं। फुलेरा से जोधपुर के बीच में डबलिंग का काम चल रहा है। इस समय फिलहाल बात करूँ तो 19 ट्रेनें दोनों शहरों के बीच में चल रही हैं, जिसमें 10 जो है वो मेल एक्सप्रेस है, एक वीकली संपर्क क्रांति, 7 सुपरफास्ट ट्रेन और एक वीकली हम सफ़र ट्रेन है। 2 कोविड रिजर्व ट्रेन जो है उनको अब रेगुलर नंबर दे दिया है। 310 किलोमीटर का डिस्टेंस है मेड़ता और फुलेरा के रास्ते। पहली ट्रेन चलती है भगत की कोठी से बिलासपुर के बीच में चलने वाली ट्रेन और जोधपुर से थर्सडे और सटडे को ट्रेन चलती है 1:50 पे रात को 7:30 बजे जयपुर पहुंचती है। दूसरी ट्रेन बाड़मेर से गुवाहाटी हर मंडे यानी सोमवार को 2:40 पे चलती है जोधपुर से, 9:05 पे जयपुर जंक्शन पहुंचती है। वीकली ट्रेन है गुवाहाटी जाती है आगे ट्रेन। शालीमार एक्सप्रेस हफ्ते में 4 दिन चलती है 4:15 बजे और 3 दिन बाड़मेर से जम्मू तवी। दोनों ट्रेनें जो है वो जोधपुर से जम्मू के बीच में सेम सहारनपुर के साइड से चलती हैं। 10:10 पे ट्रेन जो है पहुंच जाती है जयपुर। रणथंभौर एक्सप्रेस सबसे तेज गति वाली ट्रेन है इस रूट पे, 5 बजे चलकर जोधपुर से 9:40 पे जयपुर पहुंचती है, इंदौर तक जाती है ट्रेन। जोधपुर से जयपुर रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो 8:15 पे डेली चलती है और 3:15 पे शाम को जयपुर जंक्शन पहुंचती है। ये ट्रेन जो है वो मारवाड़ अजमेर के रास्ते जाती है, इसलिए इसका रूट लंबा है और टाइम भी इसका 7 घंटे का है और इसके साथ स्लिप कोच भी चलते हैं काठगोदाम और रामनगर के लिए पुरानी दिल्ली के रास्ते। मरुधर एक्सप्रेस जो है वो 3 नंबर के साथ चलती है, 3 दिन ये ट्रेन वाया अयोध्या चलती है। 8:25 पे इस ट्रेन ने चलना है और दोपहर में 1:40 पे ट्रेन जो है वो जयपुर जंक्शन पहुंच जाती है। ये ट्रेन लगभग 5 घंटे 5 मिनट से 5 घंटे 15 मिनट की जो है वो ट्रैवलिंग टाइम लेती है। एक दिन ये ट्रेन जो है वाया प्रतापगढ़ चलती है, बाकी रूट इसका सेम रहता है जोधपुर से वाराणसी के बीच में। जोधपुर से भोपाल एक्सप्रेस, क्योंकि ट्रेन पहले पैसेंजर थी अब इसको एक्सप्रेस में बदला गया और बहुत सारे हार्ट रखे गए, इसलिए ट्रेन जो है वो 8 घंटे और 5 मिनट लेती है। 8:50 पे ट्रेन चलती है जोधपुर से डेली। जोधपुर से पूरी सुपरफास्ट हर सैटरडे को 2:15 बजे दोपहर में चलती है, 7:15 पे शाम को जयपुर पहुंचती है। जोधपुर जयपुर हाईकोर्ट इंटरसिटी डेली चलती है शाम को 4 बजे जोधपुर से, 9:15 बजे जयपुर जंक्शन पहुंचती है। इसी प्रकार भगत की कोठी से मनारगुड़ी वीकली भी हर थर्सडे को 4:30 बजे चल के 9:20 पे पहुंचती है जयपुर। भगत की कोठी से तिरुचिरापल्ली एकमात्र हम सफर वीकली ये ट्रेन वेडनेसडे को 4:30 बजे चलती है और 9:20 पे रात को जयपुर पहुंचती है। राजस्थान संपर्क क्रांति जो दिल्ली सराय रोहिला तक चलती है जोधपुर से चलती है 7:40 पे थर्सडे को और 12:35 पे रात को जयपुर पहुंचती है। मंडोर सुपरफास्ट डेली चलती है पुरानी दिल्ली के लिए जोधपुर से 8:10 पे, रात को 1:05 पे ट्रेन जो है जयपुर जंक्शन पहुंचती है। भगत की कोठी से विशाखापट्टनम वीकली एक्सप्रेस सैटरडे को चलती है 8:25 पे जोधपुर से और रात को 1:30 पे जयपुर जंक्शन पहुंचती है। इसी प्रकार जो है जोधपुर से हावड़ा के बीच में चलने वाली ट्रेन 12:308 इसका टाइमिंग अभी बदला है, हफ्ते में 4 दिन मंडे ट्यूसडे थर्सडे और फ्राइडे को रात को 11:10 पे चलती है और सुबह 4:40 पे जयपुर जंक्शन पहुंचती है, एकमात्र रात्रिकालीन ट्रेन है। तो ये टोटल ट्रेनों के बारे में बताया मैंने जोधपुर से जयपुर के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। वीडियो से संबंधित या रेलवे से संबंधित कोई इंक्वायरी या सुझाव तो आप मुझे कमेंट करें। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूँ नई अपडेट में। जय हिंद।